हेलो फ्रेंड, आज एक बहुत ही खूबसूरत सा DIY करते हैं जो कि बनने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा है। और बस कुछ नहीं, एक बेकार पड़ी जो पेंट होता है तो उसकी बकेट डली हुई थी, तो उसके ऊपर हमने इसको तैयार किया है। और इसको आप किसी भी तरह से अपने यूज़ में ला सकते हैं, जैसे चाहे तो प्लांटर के रूप में इसका यूज़ कीजिए, या प्लांटर होल्डर की तरह, या स्टोरेज की तरह, या डेकोरेटिव पीस की तरह। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं किसको हमको किस तरह से बनाना है। इधर पर हमने लिया है बॉल पुट्टी इस तरह से। देखिए, इधर पर लेने के बाद इसमें सिर्फ पानी डाल के और इसको बहुत अच्छे से घोल लिया है। इधर पर देखिए कि कंसिस्टेंसी कुछ हमारी बॉल पुट्टी जो है तो उसकी इतनी रखनी है जिसमें कि ना तो वो काफ़ी पतला हो और ना गाढ़ा। बस इसके बाद देखिए, ये एक बकेट ली है जो कि पेंट की बकेट आती है और खाली डली हुई थी ये, तो इसको इस तरह से हमने इस पर बॉल पुट्टी को लगा दिया है। इसको आप चाहे तो किसी भी कॉर्नर पर रख के उससे प्लांटर वगैरह यदि आप रखते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। और बस इधर पर देखिए, हमने बाल पुट्टी को लगा दिया है और ज़्यादा फिनिशिंग वगैरह देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर हमको टेक्सचर बनाना है। और टेक्सचर जो हमने बनाया था तो वो बनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और एक बहुत ही खूबसूरत सा पीस बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको बता दें कि इस तरह से कुछ भी, कोई लकड़ी ले लीजिए, या ये हमारा ब्रश था जिसके पीछे से हमने इस तरह से सर्कल घुमाते हुए और पूरी बकेट पे इस तरह से इसको आड़ा तिरछा घुमाते हुए, देखिए पूरी बकेट पे कर दिया है। और आप ऊपर से एक दो बार भी कर सकते हैं, कोई इसमें ख़राबी नहीं आएगी। और देखिए, बस इस तरह से हम बनाते गए थे और पूरे पे टेक्सचर बन के तैयार हो गया था और टेक्सचर बहुत खूबसूरत बना था। और जो आप बाल पुट्टी की लेयर लगाएंगे तो वो पतली नहीं लगाना है, थोड़ी सी मोटी लगाइएगा जिससे कि टेक्सचर उभर के बहुत अच्छा आएगा। देखिए, दफ़ा पूरा टेक्सचर बन के हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे सूखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा सा टेक्सचर बन के तैयार हो गया है और वॉल पुट्टी का कलर बिल्कुल वाइट आया है। इधर पर हमने ऑयल पेंट का यूज़ किया है, देखिए ये पहले से ये थोड़ा सा किया हुआ था। और बस इधर पर ऑयल पेंट को हमको पेंट कर देना है। कलर करते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसको बहुत अच्छे से करना होता है और टेक्सचर के अंदर तक कलर भरना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन देखिए, इस तरह से कर दिया है और बस एक कोट ही हमने किया था और काफ़ी अच्छे से कलर इस पर लग गया था। और बस देखिए, इधर पर ये पूरे पे हमने कलर कर दिया है। तो चलिए देखिए, इसके बाद की हमारी जो प्रोसेस है तो उसको हमको क्या करना है। इधर पर ये हमने डस्ट ली है गोल्डन और कॉपर कलर की, ये कॉपर कलर की है और ये गोल्डन कलर की है। किसी भी डस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं और ये शॉप पे, स्टेशनरी की शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाता है। तो देखिए, दफ़ा हमने गोल्डन कलर की डस्ट का यूज़ किया है और काफ़ी अच्छे से हो गया था, बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन इसका जो लुक आता है तो काफ़ी अच्छा आता है। तो इधर पर हमने देखिए एक पेपर लिया है और पेपर में इस तरह से इस डस्ट को डाल लिया है और बस इस तरह से इसको पकड़ के और ये फूँक कर, मुँह से फूँक लगा कर, और इस तरह से जो आपकी बकेट है जिस पे आपने कलर किया है तो इस पे कहीं कहीं पर फूंक के डस्ट को डालते चले जाना है। और थोड़ा सा जो पेपर है तो उसको आप फोल्ड कर लीजिए जिसमें कि इधर उधर डस्ट ना जाए। और फिर जैसे ही डस्ट हमारी ख़त्म होती है तो इसके ऊपर फिर से हम डस्ट डाल के और इस तरह से करके फिर से इसको फूंक के और हम अपना कलर इस पर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इस पर कलर आया है, ब्राउन, और इसका कहीं गोल्डन आया है, कहीं ब्राउन कलर है, काफ़ी प्यारा कलर आया है इस पर। और कैमरे में तो उतना अच्छा नहीं आया है लेकिन बनने के बाद इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आया है। तो देखिए, इस तरह से ये हमारी एक बेकार पड़ी जो पेंट की बकेट थी तो वो बन के तैयार हो गई है। तो चलिए, इसको हमने एक प्लांटर स्टैंड की तरह यूज़ किया है, तो इसके ऊपर रखने के लिए हमने ये एक प्लांटर की प्लेट ली है जो इस तरह से है और इस पर हमने स्प्रे गोल्ड कलर कर दिया है। तो इधर पर देखिए, ये लेके गोल्डन कलर इसलिए किया है जिससे कि दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छा उभर के आएगा। तो बस देखिए, इधर पर ये हमने गोल्डन कलर इधर पर कर दिया था और प्लेट भी हमारी बन के तैयार हो गया था। और बनने के बाद ये पीस काफ़ी खूबसूरत लगा था। तो देखिए, इधर पर पेंट
कर दिया था हमने प्लेट पे और बस इस बकेट के ऊपर हमने इसको ये रख दिया है। तो देखिए एक आपका स्टैंड बन के तैयार हो गया है जिसके ऊपर आप प्लांटर रख दीजिए या फिर कुछ और भी रख के आप अपना कोई डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं इस पर। और इधर पर हमने एक प्लांटर रखा है जो कि फिर इसके बाद देखिए बहुत खूबसूरत ये लग रहा था और आप जिस कोने में भी इसको रखेंगे ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो चलिए बताइएगा आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।